हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन गाइस। आज हम बात करेंगे कार्कमा ओवल स्पेन पिच रिपोर्ट के बारे में, जहां अभी इसी ECC T10 के मैचेस चल रहे हैं। गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कार्कमा ओवल जो है पिच है, ये बैटिंग फ्रेंडली पिच है और यहां बैटर्स को के लिए काफ़ी मुफीद है, क्योंकि शॉर्ट पिच है, पिच जो बाउंड्रीज है वो शॉर्ट है, इसलिए ये बैटर्स के काफ़ी मुफीद है। तो आप अच्छे से बैटर्स को चुन सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बात का आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि ये जो फर्स्ट बैटिंग करती है उसने ज़्यादा मैचेस नहीं जीते हैं, जिसने सेकंड बैटिंग की है उसने ज़्यादा मैचेस जीते हैं। जैसे T10 के यहाँ पे 444 मैचेस हो चुके हैं, इसमें जिसने बैटिंग फर्स्ट की उसने 214 और जिसने बैटिंग सेकंड की उसने 226 मैचेस जीते हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन फिर भी आप बैटिंग सेकंड टीम को प्रायोरिटी पे रखेंगे। और ये जो पिच है, मैंने बताया, बैटिंग फ्रेंडली है। अगर बैटर्स की मैं बात करूं तो बैटर्स को आप मैक्सिमम रखेंगे, प्रायोरिटी पे रखेंगे, और ख़ासतौर से जो टीम चेज करेगी उसको आप प्रायोरिटी देंगे। यहाँ का एवरेज स्कोर है वो 117 का है, जो एवरेज स्कोर है वो 117 का है। जो बैटिंग फर्स्ट करता है उसका एवरेज स्कोर 120 का है, लेकिन बैटिंग सेकंड करता है उसका एवरेज स्कोर 127 का है। तो आप बैटिंग सेकंड जो करेगी उस टीम के बैटर्स को ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखेंगे। बाउंड्री शॉर्ट है जैसा मैंने बताया, तो यहाँ हाई स्कोरिंग होती है, बैटर्स अच्छे चलते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं बात करूं कि यहाँ पे लेफ्ट आर्म बोलर राइट आर्म बोलर की, तो राइट आर्म बोलर को यहाँ पे जो T10 है उनमें 3247 विकेट मिल चुके हैं, 3247। इसमें फास्ट बोलर को 146, फास्ट मीडियम को 290, मीडियम को 2481, स्लो बोलर को 316। आप देखिए, विकेट तो सबको मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो राइट आर्म मीडियम बोलर है उसको 2481 विकेट मिले हैं। तो आप इस बात का ख्याल रखेंगे और मीडियम बॉलर को प्रायोरिटी पर रखेंगे। उसके बाद स्लो बॉलर को मिले हैं 316, उसके बाद फास्ट मीडियम को 290 और फास्टर को फिर 146 मिले हैं। तो राइट आर्म बॉलर में विकेट तो सबको मिले हैं, लेकिन जो हाईएस्ट विकेट टेकर हैं वो मीडियम बॉलर हैं, राइट आर्म मीडियम बॉलर हैं। तो आप राइट आर्म मीडियम बॉलर्स को प्रायोरिटी पर रखेंगे, स्लो बॉलर्स स्पिनर्स को प्रायोरिटी पर रखेंगे, फास्ट मीडियम को भी प्रायोरिटी पर रखेंगे। लेफ्ट आर्म बॉलर की मैं बात करूं तो 484 विकेट्स मिले हैं, जिसमें फास्ट बॉलर को 19 और फास्ट मीडियम को 90, मीडियम को 184। यहाँ पे भी मीडियम बॉलर जो है, लेफ्ट आर्म मीडियम बॉलर 184 और स्पिनर्स को 191, स्लो बॉलर को 191 विकेट मिले हैं। तो देखिए, स्पिनर्स को अच्छे विकेट मिल रहे हैं और राइट आर्म और लेफ्ट आर्म मीडियम बॉलर्स को अच्छे विकेट्स मिल रहे हैं। उसके बाद फास्ट मीडियम बॉलर्स को अच्छे विकेट मिल रहे हैं और फोर्थ नंबर पे है फास्ट बॉलर। तो इस बात का आपका ख्याल रखेंगे। यहाँ जो पेसर्स हैं उनको 86% विकेट्स मिले हैं पेसर्स, और पेसर्स में किसको आप प्रायोरिटी पर रखेंगे? मीडियम बॉलर को। और जो स्पिनर्स हैं उनको 14% विकेट्स मिले हैं। तो आप स्पिनर्स को भी जगह दे सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, उनको स्पेस नहीं दे सकते, क्योंकि विकेट टेकिंग में स्पिनर्स कहीं काफ़ी पीछे चल रहे हैं। तो गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगा, इस तरह से आप फैक्ट के आधार पर टीम बनाइए और आप विनिंग कीजिए। आई होप कि आप फैक्ट के आधार पर बनाएंगे। आप, मैं आपको रिपोर्ट दे रहा हूँ, प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप फैक्ट के आधार पर टीम बनाएंगे, आपकी विनिंग पॉसिबिलिटी हाई रहेगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।